अपने न्यूमेरिकल एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को न्यूमेरिकल समझ नहीं आता, स्पेशली फॉर फिजिक्स न्यूमेरिकल उनके ऊपर से चला जाता है। स्टेप वन, सबसे पहले खुद को टाइम दो न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करने के लिए, कम से कम 1 से 2 मिनट। फिर इस टाइम फ्रेम को रिड्यूस करने की कोशिश करो 30 सेकंड तक। स्टेप टू, हमेशा न्यूमेरिकल का गिवन पार्ट नोट करो और ढूंढो न्यूमेरिकल आपको क्या फाइंड करने को कह रहा है। स्टेप थ्री, नाउ अरेंज द फॉर्मूला, अरेंज ऑल द रिलेटेड फॉर्मूला। नाउ सी, जब आप फॉर्मूला लिखोगे सबसे पहले आप ट्राई करो कि जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला को अरेंज करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्टेप थ्री देखो मैंने लिखा हुआ है। स्टेप फोर, नाउ चेक द यूनिट्स ऑफ योर क्वांटिटीज। अब स्टेप थ्री देखो, वहाँ लेंथ की यूनिट 1 मीटर है और एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं, जल्दबाजी में फॉर्मूला नोट किया एंड यूनिट बिना चेक किए हुए उनको पुट करके वैल्यू निकाल दी और आपका क्वेश्चन गलत। स्टेप फाइव, कभी भी कैलकुलेशन को अंडर एस्टिमेट मत करो, कैलकुलेशन प्यार से करो, आराम से करो और अपने स्टेप आराम से देखते रहो। ओवर कॉन्फिडेंस में मैक्सिमम स्टूडेंट की गलती कैलकुलेशन एरर में ही आती है। स्टेप सिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये हमने ऊपर जितने भी स्टेप बताए ये आप तभी अपने न्यूमेरिकल को इम्प्रूव कर पाओगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, लगातार प्रैक्टिस। दिन के एट लीस्ट 15 से 20 न्यूमेरिकल पकड़ो और आपको यही काम है, सबसे पहले गिवन पार्ट नोट किया, क्वेश्चन समझा और डायमेंशन चेक किया, उसके यूनिट्स चेक करे क्या वो ठीक है, और सिर्फ अभी फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो कि हाउ टू फाइंड द क्वांटिटी एंड हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, दैट्स इट। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले सिर्फ ये सीखो कि आप कैसे अप्लाई करोगे, दैट्स इट। ऑल द वेरी बेस्ट।